हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल डिविटी टैर सिक्स वेट ट्रूथ एक्सपोज डार्कनेस तो आज का जो टॉपिक है गाइस दैट इज हु इज़ क्रेजी इन लव विथ यू डेफिनेटली कौन आपके प्यार में बहुत ज़्यादा पागल है ठीक है हु इज मैडली इन लव विथ यू हु इज़ ऑब्सेस्ड अबाउट यू कौन आपके बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ठीक है कौन आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं शायद आप इनको जानते हो या नहीं जानते हो सो डेफिनेटली दिस विल बी अ जनरल प्रोडिक्शन तो हो सकता है रेजोनेट करे हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे तो जो कर रहा होगा प्लीज ले लेना बाकी को जाने देना चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करे और इंस्टाग्राम में फॉलो करे और ये जो रीडिंग है ये बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है मेल और फीमेल दोनों ही दे सकते हैं एज ऑल्सो यू कैन वॉच इफ यू आर ऑफ द सेम सेक्स रिलेशनशिप ऑल राइट सो लेट्स सी लेट्स फाइंड आउट गाइज तो यहाँ पे जो रीडिंग डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी आपको सबसे ज्यादा क्लैरिटी देने के लिए हो सकता है कि ये इंसान आपके फ्रेंड सर्कल में हो या आपके ऑलरेडी पार्टनर हो वो आपको ऑलरेडी डेफिनेटली अन पता चल जाएगा सो लेट्स वाट वी आर वेटिंग फॉर टैरो कार से हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं पहले हम मोरक्क से देखते हैं उसके बाद हम टैरो से देखते हैं ओके सो दिस इज अ स्पेशल टैरो कार्स oracle cards which i have brought again for you so universe uh, spirit guides and angels please guide me the right direction ki mere jo viewers hai unke pyar mein kaun obsessed hai कौन बहुत ज़्यादा deeply love करते हैं उनको कौन crazy है उनके प्यार के लिए okay. so we have the boundaries, 12. we have have the the boundaries masculine and three, we have the unexpected wow so forty two forty three and twelve can be important numbers हो सकता है कि double four double two या double three आप देखते हो even seven six and three are important bottom of the deck is action दो चीज मुझे यहाँ पे आपको बताना है वो एक है कि शायद आपका रिलेशनशिप कुछ लोग के लिए इट्स नॉट फॉर एवरी कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप आपके साथ इनका बहुत टाइम से था लेकिन uh, कुछ रेस्ट्रिक्शंस आप दोनों के प्यार में आ चुका ठीक है और शायद कुछ बाउंड्रीज़ आप दोनों ने बना लिया या ये पर्सन आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया या ये पर्सन आपको ब्लॉक कर दिए ठीक है कुछ डिस्टरबेंसेस हुए रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ कुछ गलत हुआ उसके वजह से क्या हुआ आप दोनों मे बी नेचर आप लोग सेपरेटेड हो चुके हैं ठीक है बट ये इंसान आपको भूले नहीं है ओके इफ यू थिंक दैट दिस पर्सन हैज फॉरगॉटन यू नो इट्स नॉट ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं बात अगर आता है कि आप नहीं जानते हो कुछ लोग है यहाँ पे एज एज दैट आप नहीं जानते हो द अनएक्सपेक्टेड ओके शायद आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि ये इंसान आपको बेानतहा प्यार करते हैं एंड इज लिटरली राइट लिटरली क्रेजी फॉर योर लव ये पर्सन uh, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मे बी ऑफ द सेमसेक्स रिलेशनशिप बट बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है शायद आप दो, दोनों ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में कनेक्टेड हो शायद आप उनको काफ़ी ज़्यादा रेयर ओकेशंस में मिले हो शायद आप थोड़ा सा फेस ही उनका जानते हो लेकिन बहुत ज्यादा ये पर्सन आपको प्यार करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे ठीक है सो दिस इज द अनएक्सपेक्टेड शायद आपको पता भी नहीं यू डोंट नो एट ऑल ये पर्सन जो भी है आई डू फील दिस इज अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन कनेक्शन आई डू फाइंड कि स्ट्रांग एट्रैक्शन आप दोनों के अंदर बहुत ज्यादा है और ये पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दे आर लिटरली क्रेविंग फॉर यू ठीक है एंड डीपली सेक्सुअल कनेक्शन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है ठीक है तो ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली इंटीमेट होना चाहते हैं ओके सो दिस इज द यू कैन से दैट दिस पर्सन हो सकता है इनके पास ये बॉडी इनका काफी ज़्यादा स्ट्रांग है ठीक है काफ़ी ज्यादा लीन बॉडी है शायद वो अपने डेफिनेटली uh, यहाँ पे जिम जाना बॉडी को सही तरह से मेंटेन करना रूटीन एक्सरसाइजेस करना और ये हो सकता है यहाँ पे बैकग्राउंड में देखो दिस आर स्मॉल बॉय एंड स्मॉल गर्ल हो सकता है कि आप इनको बचपन में मिल चुके हो इट्स लाइक द सिक्स ऑफ कप्स कनेक्शन ऊपर से फोर्टी टू इट कम्स टू सिक्स ओनली तो हो सकता है दिस इज लाइक अ सिक्स ऑफ कप्स कनेक्शन जहाँ पे आप यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन फॉर फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ टाइम हो सकता है पिछला जन्म से ही आप इनको जानते हो तो जब आप इनको डायरेक्टली मिलोगे या मिल चुके हो तब आपको फीलिंग आया होगा या आएगा कि इस पर्सन के अंदर डेफिनेटली कुछ तो इस तरह से है कि आप इनके ऊपर इतना ज़्यादा पैशनेट क्यों फील करते हो और ये भी इतना ज़्यादा ही करते हैं भले ही एक्सप्रेस नहीं करते इसको बिकॉज मैस्कुलिन जो uh, जो एंटिटी है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो दे डोंट एक्सप्रेस दैट मच बट फीमेल जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे ठीक है और ये मुझे लग रहा है इनका भी मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो है ना हो सकता है आर स्लिम और वट एवर इज एंड फेयर कम्प्लेक्शंस वट एवर आई कैन सी दिस एवरेज लेंथ हेयर और ये काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ठीक है और यहाँ पे जो मुझे मेल का जो मतलब में या अपेयरेंस दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है ठीक है लोग इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं स्पेशली इफ आर लुकिंग फॉर मेल दे हैव लॉट्स ऑफ असिस्टेंट्स हो सकते हैं इनके फ्रेंड्स सर्कल में बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल में फ्रेंड्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दैर स्ट्रॉग पावरफुल नेचर ठीक है बाकी हम देख लेते हैं टेरोकार से ताकि हमें और पता चले और ये पर्सन आपके लिए इस तरह से नहीं कि इनएक्टिव है ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं दे वांट टू टेक एक्शन दे वांट टू कम फॉरवर्ड टू यू ये आपके सामने आना चाहते हैं नाउ लेट मी सी इज दिस पर्सन इंसान कौन है यूनिवर्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कौन लिटरली क्रेजी है कौन उनके प्यार में दीवानी या दीवानी है एंड दे आर लिटरली ऑब्सेस्ड विथ यू ओके ओके अगर यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है तो हम ले लेंगे इस कार्ड को एस ऑफ कप्स कैंसर बार स्कॉर्पियो फोर ऑफ स्वर्स एक्वे जवेनाय लिपरा वी हैव थ्री ऑफ पेंटेकल्स ओके टोडस वो को कैप्रिकॉन वी हैव द डेथ कार्ड ओके We have the six of cups. क्या बताया था मैंने मैं जो बता रही हूँ वो हो ही जाता है ना दैट्स वाई माई रीडिंग ऑलवेज रेज्स ओवर सिक्स ऑफ कप्स मुझे लगा ही था और ये ऊपर से देखो यही कार्ड ऊपर था यही कार्ड आया सो जीरो द फूल बहुत बढ़िया तरह से यहाँ पे इंडिकेशन है ओके एंड बॉटम ऑन द डे इज द नाइट ऑस सो ये पर्सन बहुत एक्सम लीब्रा एडीज स्कॉर्पियो कैंसर पाशि स्कॉर्पियो टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न सारे सन साइंस सारे मून साइंस यहाँ पे है सो आई डू फाइंड यहाँ पे जो है ना नंबर्स लाइक सिक्स ओके नंबर्स लाइक थर्टीन ओके एंड फोर्टीन वन फाइव थ्री फोर इज वेरी इंपॉर्टेंट तो ये पर्सन लिटरली मुझे दिख रहा है चाहे जितना भी टफ सिचुएशंस हो ये पर्सन अपने कैरियर में काफी ज्यादा डिटरमाइंड है काफी ज्यादा ये अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं ओके इसके नीचे ही है द चैरियट कार्ड तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ एक्शन लेंगे द चैरियट इज अ फॉरवर्ड मूविंग कार्ड ठीक है ये पीछे चलने वाले इंसान नहीं है हमेशा आगे बढ़ने वाले इंसान है चाहे अपने करियर में हो चाहे अपने लव लाइफ रिलेशनशिप में हो ये बैलेंस करना जानते हैं ठीक है भले ये पर्सन शायद शो ना करें ठीक है कुछ लोगों के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ठीक है ट्रैवल ओरिएंटेड है इनका जॉब हो सकता है कि घूम घूम के ये पर्सन को ठीक है बहुत कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन लेके आना पड़ता है आई डू फाइन ये पर्सन कोई भी अपार्टमेंट्स uh, या कोई भी इस तरह से जगह पे रह सकते हैं जहाँ पे uh, सुनसान इलाका हो या हो सकता है काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड सिटी हो देर आर टू ऑप्शन या रात के समय पे वो जो जगह है बहुत ज़्यादा ही सुनसान हो जाता है इट कैन हैपन लाइक दैट एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है ना कुछ लोग के लिए दिस पर्सन कैन बी इन द एच आर फील्ड और ये पर्सन एक इंटरव्यूअर हो सकता है रिक्रूटमेंट करते हैं ठीक है जॉब में लोगों को रखते हैं या उनका खुद का बिजनेस हो सकता है जहाँ पे उनको फंड चाहिए ठीक है उनको पैसा चाहिए उनको मटेरियल्स चाहिए ताकि वो अपना इंडस्ट्री या फैक्ट्री या जो भी बिजनेस है वो सेटअप कर पाए सो दिस पर्सन ऑलवेज गोस फॉर अचीवमेंट या हमेशा अचीवमेंट ओरिएंटेड है ठीक है एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आफ्टर द एंड ऑफ अ रिलेशनशिप हो सकता है ये पर्सन बिल्कुल नया हो आपकी जिंदगी में शायद जिस तरह से मैंने आपको बताया कुछ स्टोरी एंड होना था क्योंकि कुछ स्टोरी का शुरुआत होना है ठीक है ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आई डू फाइंड लाइक दैट स्पिरिट इज ओवर हियर ठीक है बहुत ज्यादा कनेक्शन हो सकता है कि फिजिकल कनेक्शन ठीक है बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन आते हैं बट ये जो है ना ये रू से रूह तक का कनेक्शन है शायद आप फील कर पाओगे ठीक है एंड डेफिनेटली मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है वक्त का ख्याल बहुत इनको है ठीक है और कभी कभार उनको अगर काम नहीं करना है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिलैक्सड भी हो जाता है मतलब कभी कभार इनको एक्शन लेना नहीं होता ठीक है इनको पता है कि एक्शन लेना है पर ये लेते नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेथर्जिक हो जाते हैं ठीक है इनको प्यार भी है आपसे बहुत ज्यादा कभी कभार इनको लगता है कि कैरियर इंपॉर्टेंट है या पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट है सो देर विल बी अ लिटिल बिट कंफ्यूजन ये पर्सन काफी ज्यादा गॉडज होंगे फेयर कॉम्प्लेक्शन फॉर फीमेल आई डू फाइंड एंड हो, हो, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा मेकअप पसंद करते हो ठीक है इस तरह का कर्ली हेयर हो सकता है एवरेज लेंथ हेयर जिस तरह से मैंने आपको बताया इस तरह का नेकलेसेस पहनना ड्रेसेस पहनना उनको बहुत पसंद होगा फूल लगाना अपने बालों में आई डू फाइंड इट लाइक दिस ओके और ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी हो सकता है मेकअप आर्टिस्ट हो सकता है टीचर प्रोफेसर हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन पे हो सकते हैं पावर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन में हो सकता है ठीक है एक्साइज डिपार्टमेंट कंट्रोल डिपार्टमेंट में हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो सकता है एंड कुछ इस तरह का जॉब्स में होंगे जहाँ पे इंटेलिजेंस uh, का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो ठीक है बहुत ज़्यादा मतलब हर एक जॉब अभी देखो बहुत सारे uh, जॉब्स जो आ चुके हैं चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो इतना ज़्यादा कंपटीशन है सब लोगों को यहाँ पे मैनिपुलेशन के द्वारा ही चलना पड़ता है बट स्टिल दिस पर्सन इज़ बियॉन्ड ठीक है बहुत ज्यादा ये पर्सन जो है ना आउट ऑफ द क्राउड स्टैंड कर लेते हैं बिकॉज दे हैव यूनिक आइडियाज ठीक है इनके हो सकता है कि पूर्वजों ने इनके लिए बहुत कुछ पैसा या जमीन जायदाद छोड़ दिया था और डेफिनेटली ये इन्हीं से बहुत ज्यादा अच्छा से शुरुआत करते हैं हो सकता है इनका इनके, इनके पेरेंट्स इनके लिए, लिए लिगेसी छोड़ के गए हैं मतलब बहुत कुछ ठीक है नॉट ओनली पैसा बट बहुत कुछ कल्चर ठीक है इनके हो सकता है ये पर्सन आउट ऑफ योर कल्चर कम्युनिटी कास्ट रिलीजन हो हो सकता है ब्रेकअप होने के बाद ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से वापस आना चाहते हैं बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है कि वो आपको हासिल कर ही लेंगे यू कैन सी दिस इज द फॉक्स फॉक्स और समथिंग यस बट ये भी कुछ पोलर रीजन में जो होता है ना इस तरह का फॉक्स दिख रहा है तो काफी ज्यादा ये वेदर कंडीशन को झेल सकते हैं मतलब कोई भी सिचुएशन में ये एडजस्ट कर सकते हैं ओके सो दिस इज वट आई एम फाइंडिंग इट हेयर ना लास्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम द वो रकम देख सो एनीवेस गाइड्स प्लीज बताइएगा एनीवेस गाइड स्पिरिट्स प्लीज बताइए कि व्हाट इज द मैसेज फॉर माय व्यूअर्स टू द सी हो होस द ये पर्सन ओवरसीज दैट इज 7 कैन भी इंपोर्टेंट नंबर होस द है कि आपका कनेक्शन इन्हीं के साथ पहली दफा में ठीक है हुआ था जब ये आपसे बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में थे या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है ओके okay? ट्रेजर आईलैंड आई कैन फाइंड लॉर्ड ऑफ ओशन वाटर एनर्जी ओके तो दिस पर्सन इज मैंने आपको बताया कि समुद्र मंथन के समय पे टर्टल के ऊपर हुआ था वो चीज और बहुत ज्यादा खजाना निकाला था तो ये पर्सन ढूंढ ढूंढ के खजाना को निकलते हैं मे बी ट्रेजर एक्सप्लोरर आप देखते हो यूट्यूब चैनल्स पे बहुत ज्यादा लोग उस तरह का प्रोफेशन में इन्वॉल्व या बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है लॉकर डिपार्टमेंट में हो सकता है ये इनके पास काफी ज्यादा पैसा होगा ठीक है दे विल बी वेरी रिच बिटवीन द वर्ल्ड ये ऑलवेज फ्रॉम द ब्लैक एंड वाइट के दुनिया से कलरफुल दुनिया में ट्रेवल करना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं पास्ट में नहीं जीते हैं हमेशा फ्यूचर में जीते हैं ठीक है थीके? उस तरह का इंसान है एंड डेफिनेटली बाय द बुक ये हमेशा रूल्स रेगुलेशंस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्री सेवन नाइन फोर नंबर यहाँ पे आ चुका है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हो कि आप लोग मिलो ठीक है मार्च जुलाई सितंबर अप्रैल कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट बाय बुक ये हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन से चलते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन में काफी ज्यादा मुझे दिख रहा है यूनिवर्स का काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रूल होगा स्टेप वाइज स्टेप ये रिलेशन बढ़ता रहेगा मतलब धीरे 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 आगे अचानक से नहीं होगा आगे जाके हो जाएगा ओके सो दिस इज वॉट आई एम फाइनिंग लेट मी सी इनिशियल्स ताकि आपको भी पता चले इंसान अगर आपके सामने आते हैं तो ओके okay. देखो मैंने आग बंद करके उठाया गया ना सेवन इज देर सो सेवन इज ऑल्सो स्पिरिचुअल वेरी डीप वेरी डीप एंड एक्सप्लोरिंग वी आर एक्स जे के फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम या निक नेम का फर्स्ट लेटर यह हो सकता है सिटी नेम या आपका कुछ इनिशियल्स इसमें से आ जाए रेड कलर बेड एक ना, bad, ill, है ना बेड सेक्सुअल कनेक्शन एल 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 बी हो सकता है ये लॉ लेके पड़े हो डब्ल्यू ओके लॉ बोलते ही एल ए डब्ल्यू आ चुका है टी ओके सेवन टी आर पी ठीक है पॉपुलैरिटी ओके काफी ज्यादा पॉपुलर हो सकता है अपने कम्युनिटी कास्ट या रिलीजन में ओके okay. जूनियर हो सकता है या आप इनसे जूनियर हो सकते हैं सौ सौ मूवी देखे हो आप काफी ज्यादा मुझे दिख रहा है काफी ज्यादा ये पर्सन जो है ना इंटेलिजेंट है कोई भी सिचुएशन को डील कर सकते है ओके रेड कलर ओके ओके ऑल राइट Okay, so um uh, hmm. maybe an RG or something like that. That's why I was checking out. So this is all about today's reading. I hope you like it. And if you like, please do subscribe, share, and do comment in the comment section. Till then take care of yourself and keep watching Divinity Terror 6 where truth always exposes darkness. Thank you guys and love you a lot.